अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट मियां उमर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जंगल के मुहाफिज। आज जो हमारे साथ जंगल के मुहाफिज मौजूद हैं, इनका नाम है फैज़ान अली शाह और आप इस वक्त एंकर में जॉब कर रहे हैं और इंतहाई पौधों से लगाव रखने वाले, इंतहाई एडवेंचर से लगाव रखने वाले और इंतहाई नेचर से प्यार करने वाले शख्सियत हैं ये। और बढ़ते हैं फैज़ान भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान जी। वालेकुम अस्सलाम उमर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे छोटे से प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नहीं, मैं छोटा सा प्रोग्राम तो नहीं कहूँगा क्योंकि इस प्रोग्राम की कॉस्ट बहुत बड़ी है और मेरी नज़र में अभी तक कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं गुजरा जो इस हवाले से बात कर रहा हूँ, तो इसको आप छोटा सा प्रोग्राम कॉस्ट को देखें, ये आपकी बहुत मेहरबानी है कि आप। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको पौधों से और नेचर से जो है किस उम्र से आपको लगाव शुरू हुआ? देखिए उम्र, ये बड़ा बिल्डिंग मुझे लगता है मेरे अंदर, ये चीज़ अल्लाह ताला ने दी, गॉड गिफ्टेड है ये, मैं गॉड गिफ्टेड कहूँगा इसको। और क्योंकि मुझे नहीं याद अपना ज़िंदगी का ऐसा कोई भी फेस जिसमें मुझे नेचर से, परिंदों से, जानवरों से और पौधों से लगाव ना रहा हो, और मेरी हॉबीज़ और बचपन की एक्टिविटीज़ जो जितनी भी रहीं वो सारी इन्हीं चीज़ों के गर्द घूमती रहीं। क्या आपको याद है कि आपने पहला पौधा कब लगाया था और कौन सा लगाया था? नहीं, एग्जैक्टली तो नहीं याद किस उम्र में लगाया था। बहरहाल जब मैंने बातों में सुनना शुरू किया बड़ों से, तो उन्होंने मुझे यही बताया था कि घर के कोने में एक कैरी मौजूद होती थी और आप वहीं पाए जाते थे सारा दिन, तो इट वॉज वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस। तो शुरू से ही मेरा रुझान पौधों की तरफ ही रहा। सही, माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपका शौक है ये। तो ये तो आपको पता होगा कि आपका सबसे ज़्यादा पसंदीदा पौधा कौन सा है? दरख्तों से ज़्यादा लगाव है, दरख्त मुझे ज़्यादा पसंद है। जिसमें अगर कुछ नाम मैं आपसे लेता हूँ, बुरा तो कोई दरख्त नहीं लगता मुझे, लेकिन जो मेरे पसंदीदा में से है, बकैन का दरख्त है और किकर का दरख्त है और टर्मिनेलिया की खूबसूरती मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। सही, तो आप आजकल एंग्रो में जॉब कर रहे हैं, तो ये बताइए कि वहाँ पे किस नौत की शजरकारी की आ रही है? शजरकारी का रुझान उस कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा है। प्लांटेशन एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे लेवल पर की जाती हैं, ऑर्गेनाइज की जाती हैं प्रॉपर। इस साल कोरोना की वजह से शायद कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं की गई, लेकिन प्लांटेशन वहाँ पर ऐसा कोई घर नहीं है जिसके बाहर आपको नहीं मिलेगी। और कंपनी के लेवल के ऊपर भी जो ऑर्गेनाइज की जाती हैं, जितनी भी वेस्ट लैंड थी उनके प्रेमिस में, उन्होंने उसको ठीक किया और उधर हर सीज़न में प्लांटेशन एक्टिविटी होती है। और मैं पिछले दिन ऑब्जर्व कर रहा था कि 6 to 7 feet उनकी हाइट चली गई है। लगाते हैं लोग 10-10,000 20-20,000 पौधे लगाते हैं लोग, मगर उनकी जो ग्रोथ रेशो है या उसमें आपके पौधों के ज़ाया होने की रेशो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम है पॉइंट्स में, क्योंकि केयर बहुत ज़्यादा है उसकी। तो मैंने सुना है कि एंग्रो फर्टिलाइजर में जो है प्लांट्स कंपटीशन भी कराया जाता है, उस हवाले से भी थोड़ा सा आप बताएं। प्लांट्स कंपटीशन ही, वो लॉन कंपटीशन बेसिकली होता है, जब आपको पता है कि फरवरी मार्च में ये जो सीजनल फ्लावर का होता है, तो उसमें हर जो उसका इदारा है उसके अंदर छोटे छोटे जो इदारे हैं उनका कंपटीशन, और अगर कोई आपको लगता है कि आपका लॉन प्रेजेंटेबल है तो आप उस कंपटीशन का पार्ट होते हैं और उससे इनक्रेज होते हैं लोग काफ़ी, और विनिंग कन जो होता है लॉन उसको फिर शील्ड दी जाती है, रिकॉग्नाइज किया जाता है। सही, आपका हफ्ते में एक दो चक्कर पंजाब के भी लगते हैं, सिंध के भी लगते हैं, उसके अलावा काफ़ी जगहों पे आप ट्रैवल करते भी रहते हैं जी, तो ये बताएं कि पंजाब और सिंध को कंपेयर किया जाए तो किस सूबे को आप बेहतर समझते हैं शजरकारी के बारे में? कंपेरेटिवली शजरकारी का रुझान पंजाब में बहुत ज़्यादा है। फॉरेस्ट रेशो पंजाब में आपको पता है, अगर हम एनालिसिस पढ़ते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा है, देखने में भी पता लगता है, तो काफ़ी ज़्यादा है पंजाब के अंदर फॉरेस्ट का जो, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव है हमारा यहाँ पर। सही, माशाल्लाह। तो पिछले दिनों आप बलूचिस्तान भी गए थे जी, तो ये बताएं कि बलूचिस्तान में आपने कौन कौन से पौधे देखे? बलूचिस्तान में प्लांट्स की बड़ी कमी है, मैंने वहाँ पर बहुत कम पौधे देखे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि काफ़ी प्लांट होंगे, कुछ जगहों पर तो होंगे, मगर ऐसा नहीं था, मीलों मीलों तक कोई दरख्त नज़र नहीं आ रहा था। उसकी रीज़न सिर्फ गवर्नमेंट पे नहीं डाली जा सकती कि गवर्नमेंट नहीं उस तरफ फोकस करी, उधर आप ज़मीन को देखें, पथरीली ज़मीन पर शायद पौधे का उगना भी मुश्किल है, क्योंकि नेचुरली भी वहाँ पर बड़ी कम है वेजिटेशन, और जो कुछ दरख्त मिले वो स्नोबर के और चीड़ के दरख्त मिले, और
सेबों के बगात फ्रूट्स के वगैरह के, बट वो अनलिमिटेड स्केल, पानी की कमी है, इरिगेशन सिस्टम नहीं हो सकता इस वजह से। तो ये बताएं कि किस सूबे की परफॉर्मेंस आपको सबसे ज़्यादा बेहतर लगती है? फॉरेस्ट के हवाले से मैं कहूँगा कि पंजाब एंड देन केपी। केपी को शायद मैं पंजाब से भी ऊपर रेट कर दूँ क्योंकि वहाँ पर प्लान दफ्त ज़्यादा हैं, उसके बाद सेकेंड नंबर पर पंजाब एफर्ट्स ज़्यादा कर रहा है। केपी तो नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से भी वहाँ पर कोई ज़मीन इस तरह की है, वहाँ पर दरख्त मौजूद है, लेकिन एफर्ट्स में मैं पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को समझता हूँ कि वो सबसे ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं। तो ये बताएं कि अगर मैं आपको ऑप्शन दूँ कि आप अपना घर जंगल में बनाएं या शहर में, तो आप कहाँ पर अपना घर बनाएं? डेफिनेटली मैं जंगल में या जंगल के करीब बनाना पसंद करूँगा। पीसफुल एनवायरनमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट और बहुत अच्छा मुझे लगता है कि मेरी प्रायोरिटी यही है कि अगर मौका मिले तो जंगल ही करीब बनाऊँ, शहर में बनाना पड़ जाए तो घर को जंगल की लुक जरूर दे लूँ। बिल्कुल, अभी भी मैं अंदर जब आया तो मैंने देखा है कि माशाल्लाह से एक जंगल वाली लुक आती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये बताएं कि लोग समझते हैं कि एग्रो फर्टिलाइजर जो है या एग्रो फर्टिलाइजर जितनी जो कंपनीज हैं, जैसी कंपनीज हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं या फिर क्लाइमेट चेंजेस में इनका बहुत बड़ा किरदार है, तो उस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि एग्रो फर्टिलाइजर वाकई में पोल्यूशन इतना क्रिएट करता है या पोल्यूशन को कम करता है, और अगर पोल्यूशन क्रिएट कर भी रहा है तो उसके मुतबादल जो है शिदतकारी करता है या कोई और इकदाम ऐसे उठाता है? बाकी कंपनीज का तो मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन एग्रो फर्टिलाइजर के हवाले से आई एम श्योर कि वो बेस्ट मशीनरी यूज़ कर रहे हैं और उन्होंने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए बहुत बड़ी एक अमाउंट फिक्स की है कि ये जो उसका पोल्यूशन निकलता है उसकी प्लांट प्रोडक्शन के बाद वो एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करे, और एनवायरनमेंट फ्रेंडली कंपनी की पॉलिसी है, पॉलीथीन बैग्स की उस पर भी पाबंदी है, और प्लांटेशन एक्टिविटीज़ के बारे में बता चुका हूँ, ना सिर्फ कंपनी के प्रमिसेस में बल्कि इर्द गिर्द के जो गाँव देहात हैं उनके अंदर भी, प्लांटेशन के अलावा भी कई सोशल वर्क में ये कंपनी वैसे लगाती है। तो इस हवाले से मैं कह सकता हूँ कि ये एनवायरनमेंट को कोई बहुत रीजनेबल बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही, ये जो आपने बात की कि सोशल वर्क की, कोरोना के दिनों में भी इन्होंने जो है प्राइम मिनिस्टर फंड्स में पैसे दिए थे 1 करोड़ रुपए एग्रो फर्टिलाइजर ने, तो ऐसा ही करना चाहिए मुख्तलिफ कंपनीज को। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं पाकिस्तान पे, जब भी मुश्किल हालात आने चाहिए तो उन्हें मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो आप काफ़ी सारे शहरों में जाते हैं, काफ़ी सारे एडवेंचरस प्लेसेस पर आप जाते रहते हैं, तो आप ये बताइए कौन से शहर में जाके आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया? मुझे सवात गया था मैं 2015 और 2016 में, दैट वॉज वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। वहाँ पर एक कलाम से आगे बलून की जगह है, वहाँ हाइकिंग की थी 2 से 3 घंटे की, तो बहुत ही नेचर के हवाले से बड़ी ही ज़बरदस्त जगह, बहुत ज़बरदस्त, अनफॉरगेटेबल, और मोहडन झील उसकी सिनिक ब्यूटी वो बहुत बेहतरीन है। कोयटा अभी गया था मैं रिसेंटली, तो उसमें मैंने एक जगह देखी है नौड़क से आगे वली तंगी डैम, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, इतनी ग्रीन तो नहीं थी मगर उस नेचर की एक अपनी खूबसूरती थी, नॉर्थ साइड की एक अपनी खूबसूरती है। थर का डेजर्ट जहाँ पर शायद एक पत्ता भी नहीं था, रेत थी, उसकी एक अपनी ब्यूटी है। तो ये कुछ जगहें थी जिनका जिक्र मैं करना चाहूँगा। अच्छा, ये बताएं कि इंसान को खुद को जिस चीज़ का शौक होता है, इंसान चाहता है कि उसके जो बच्चे हैं उनमें भी वही शौक जो है वो ट्रांसफ़र हो, तो आप अपने बच्चों के बारे में सोचते होंगे कि मेरे बच्चे जब बड़े हों तो उनमें भी ये शजरकारी का या फिर जो है कुदरत से मोहब्बत रखने का ये सिलसिला आगे जाए, आपके वालिद से आप में आया, उसके बाद आप चाहते हैं कि आगे आपके बच्चों में जाए, तो इस हवाले से आप क्या सोचते हैं कि माँ बाप को क्या करना चाहिए कि उनके बच्चों में भी ये चीज़ ट्रांसफ़र हो? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है ये आपको, और मैं इस हवाले से आपको कहना चाहूँगा कि बच्चा कभी भी वो नहीं करता। अगर मैं उसको सुबह उठ के 10 दफ़ा, शाम को 10 दफ़ा सोने से पहले कहूँ बेटा पौधे लगाया करो, एनवायरमेंट का ख्याल किया करो, तो वो यहाँ से सुन के यहाँ से उसको निकाल देगा एक फजूल बात समझ के। बच्चा हमेशा वो करेगा जो अपने बड़ों को करता देखेगा। मुझे शायद उसको कहने की भी ज़रूरत ना पड़े कि पौधे लगाया करो और सफाई रखा करो पौधों की, वो मुझे करते देखेंगे तो डेफिनेटली वो कल को इस चीज़ को फॉलो करेंगे। और मेरी तो कोशिश है कि जितने भी बच्चे मुझे देखते हैं या मेरे सराउंडिंग्स में मोहल्ले में जितने बच्चे रहते हैं, तो मैंने उन सबको देखा है कि वो क-
काफी उनका रुझान है प्लांटेशन की तरफ नॉर्मल बच्चों से ज्यादा। ओ फिजान भाई, आप माशाल्लाह से काफी पढ़े लिखे भी हैं, काफी आप जो है प्रैक्टिकल इंसान भी हैं, काफी चीजें आपने फेस भी की हैं, बहुत आप अच्छे से चीजें समझते हैं, तो ये बताएं क्लाइमेट चेंजेस से छुटकारा हासिल करने के लिए हमें क्या इकदाम करने चाहिए। देखिए, क्लाइमेट चेंजेस में जो सबसे ज्यादा बड़ा डिजास्टर हमारे सर पर खड़ा है वो तो ग्लोबल वार्मिंग है, उसकी वजह आप ये देखें एक स्मोक का इशू भी है। तो इसको इनकाउंटर इस तरह से किया जा सकता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी बना दे कि जिस घर का नक्शा पास करवाएगा जो भी, या जो हाउसिंग सोसाइटी पास कराएगी उसको उसके कवर्ड लैंड एरिया के हवाले से आप देने के इतना आपने इसमें मिनी फॉरेस्ट रखना है और हर घर के बाहर दो दरख्त कम अज कम हो, तो मिनिमम दो तो लोगों को फर्ज होना कि इसके बगैर घर नहीं बना सकेंगे, और उसके बाद मजीद वो जितने करना चाहें तो बेहतर है उनके आने वाली नस्लों के लिए। सही, तो इंसान में जिस चीज़ का शौक़ होता है इंसान उसी हवाले से अपना एक रोल मॉडल भी रखता है, तो शजर करे के हवाले से आपका रोल मॉडल कौन है? मेरा जो रोल मॉडल है वो तो मेरे से इंटरव्यू ले रहा है इस वक्त, क्योंकि मेरा जो शौक बहुत था शुरू से था, लेकिन इर्द गिर्द टकरे मार रहे थे, गाइडेंस आपसे ली, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या सहूलतें दे रहा है उसका नॉलेज नहीं था, वो आपने हमें सिखाया, आपने बताया, बड़ी मदद की इस सिलसिले में। तो मैं ये सोचता हूँ कि जो मेरा शौक़ था उसको मैं बड़े बेहतर तरीके से आगे लेके बढ़ाऊँ, तो मैं आपकी वजह से बढ़ाऊँ। ये फिजान भाई, आपकी बहुत मेहरबानी है कि आप इस नए काम में साथ चले, आपने साथ दिया, बल्कि बड़े भाई बन के आपने मुझे बहुत कुछ आपने भी सिखाया, तो एंड में आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना पसंद करेंगे? मैं आपके व्यूअर्स को ये मैसेज देना पसंद करूँगा कि एनवायरनमेंट को बचाएं, ज़िंदगी की बाकी एक्टिविटीज़ की तरफ के साथ साथ इस तरफ भी ध्यान रखें, एक तो ये सवाब का काम भी है, दूसरा आपकी नस्लों ने इसी दुनिया में रहना है, इसी प्लेनेट पर आकर रहना है, इसको इतना स्पॉइल करके मत जाएं कि आने वाले अच्छे लफ्ज़ों में याद ना करें कि ये सब रिसोर्सेज को तबाह कर दें, और इतना बचा कर जाएं कि आने वाले जो हैं वो एक साफ फिजा में सांस ले सकें, उनको बीमारियाँ नहीं लेकर जाएँ। बहुत शुक्रिया फिजान भाई आपका कि आपने हमें वक्त दिया, इसी के साथ आपकी इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह।